वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक को, सॉरी, और इस स्टॉक को जो भी इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 के स्टॉक को एक्युमुलेट करते हैं, होल्ड करते हैं या एसआईपी करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। आज का डेट है 4 फरवरी 2021 और हमने हिंदुस्तान एचयूएल के ही स्टॉक को, सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही स्टॉक को हमने क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप सोचिए कि 2017 के यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर आपने इसे बाय किया होता 900 पे, तो आज के डेट में 200% का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मैंने इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके एक अप्रोक्सीमेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि 2017 से इस स्टॉक में बहुत ज्यादा हमें अप ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ बीच में वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड अप है। अब चलते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट और इस स्टॉक को हम क्यों एक्युमुलेट करना चाहिए या क्यों इसमें एसआईपी करना चाहिए, क्यों इस स्टॉक को हमने अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हम रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, दिसंबर 2019 के जो क्वार्टरली रिजल्ट है 10,103 के, उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ इंक्रीज हमें देखने को मिला दिसंबर 20 के क्वार्टर के। इतना ही नहीं, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020, इनके अगर प्रीवियस थ्री क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है 9,211, 10,731, 11,683 और 12,181। तो कहीं ना कहीं यही इंपैक्ट हमें यही इंक्रीजिंग ऑर्डर नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक है निफ्टी 50 का जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन कहां करेंगे बाय, इसके लिए चलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस और जो स्ट्रेटेजी है डिमांड सप्लाई स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक मंथली चार्ट है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, ये जो ग्रीन कलर के आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं ये मंथली डिमांड जोन है। आप यहाँ पे 1700 के आसपास आप एक जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए स्टॉक को, यहाँ पर वन स्टॉक का जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए, यानी ऑर्डर्स लगा के छोड़ दिए 1940। अगर कभी बाय मिस्टेक यहाँ प्राइस आता है, जैसे जिस तरीके की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो आपको इस प्राइस पे भी मिल सकता है, दैट इज ए लक बाय चांस। लेकिन अब हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ क्लियरली स्विंग ट्रेडिंग का जो चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक हाई बना, लो हाई, लो हाई, लो हाई, और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन वीकली चार्ट पे जैसे कि हम देख पा रहे, एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है। ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है ये मंथली डिमांड जोन से आ रहा है, तो ये जो रेंज है आप यहाँ पे जब भी प्राइस आए तो इसमें एसआईपी कर सकते हैं। 2000 के नीचे 1980, 1970, आप यहां तक 1930 तक जब जब भी प्राइस नीचे आए तब आप इस मंथली डिमांड जोन में क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। आप बल्क बाइंग भी आप यहां पर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। 4 to 5 years के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो उसके चलते इस स्टॉक में हम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस आपको 2400 उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और फिर से डिप में प्राइस आने का वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाय लो सेल हाई, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें एसआईपी करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बल्क बाइंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की अगर अपॉर्चुनिटी को देखें तो जब भी प्राइस यहाँ मंथली डिमांड जोन में आता है, मंथली डिमांड जोन के अंदर आप देख पा रहे वीकली डिमांड जोन, यहाँ जब भी आपको प्राइस मिले बाय करिए, यहाँ पर सेल करिए। ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मिस डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे किस तरीके के प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुआ हमारा वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस जो है 2423 के पास,
और ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का, ये मंथली चार्ट से आ रहा है जो हमने अप्रोक्सीमेटली बनाया था। आप देखेंगे इस लो को और इस लो को अगर हम देखेंगे तो ये लो है डिप 2000, लेकिन ये लो जो है वो 2040। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट लो बना वो बना इसके ऊपर 2090, फिर ये लो जो लो बना 2125। तो यहाँ पर ये जो लो बनेगा तो ये लो ये हो सकता है 2200, क्योंकि यहाँ पर कोई डिमांड जो नहीं है, ये एक ऑन ए डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट का काम हमें लास्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन से करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एंट्री कहाँ करना है? एंट्री के लिए आपको यूज करना है अवर्ली चार्ट। अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं, आप अग्रेसिवली ट्रेड को ट्रेड करना चाहते हैं, तो अवर्ली चार्ट पे जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक ट्रेड ना ले, तब तक एंट्री ना ले। जैसे ही आपको अवर्ली चार्ट पे कंफर्मेशन हो जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं 2425 के टारगेट के लिए। तो ये था शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड, एंड इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिमांड सप्लाई टेक्निकल एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।